अब जनाब हमें क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट ईयर का कि कॉस ए दिया हुआ 3/5 और अब आपसे पार्ट वन में मांग रहे हैं साइन ए -30 की वैल्यू। तो अगर मैं इसको साइन ए -b के फॉर्मूले से खोलूं तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इशू ये है कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू है साइन ए की वो नहीं पता, तो हम ये कहेंगे कि जनाब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है 1 के बराबर है। तो साइन ए जो है वो मुझे अननोन है, अलबत्ता ये वैल्यू मुझे पता है तो ये हो जाएगा जनाब 9/25। ये उधर जाकर 1 से माइनस हो जाएगा तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा जनाब 16/25। तो स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगाएंगे तो जनाब ये हो जाएगा 4/5 प्लस माइनस के साथ। यहाँ हम बताएंगे कि ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए साइन ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। ठीक है जनाब। तो जनाब हमारे पास जो साइन ए -30 था वहाँ पर अब हम वैल्यूज डालेंगे। तो जनाब साइन ए की वैल्यू है 4/5, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, कॉस ए की वैल्यू है 3/5 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ये हो जाएगा 4√3/10 और ये हो जाएगा 3/10। एलसीएम लेंगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 -3/10। बात समझ में आ गई जनाब। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट में क्या मांग रहे हैं, पार्ट टू में मांग रहे हैं हमसे 10 2a की वैल्यू। तो जनाब 10 2a किसके बराबर है? ये बराबर है 2 10a अपॉन 1 -10 2। तो जनाब आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 10a जो के बराबर होगा साइन ए अपॉन कॉस ए के। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 4/5 और कॉस ए की निकाली है 3/5। इस तरीके से टेन ए की वैल्यू आ गई 4/3। तो अब अगर मैं 10 2a निकालना चाहता हूँ तो ये वैल्यू पुट कर दूँ, जनाब ये हो जाएगा 8/3, मुझे हो जाएगा 1 -16/9। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -7/9। उल्टा करके लिखेंगे ये हो जाएगा 8/3, माइनस तो रहेगा ना बाहर, और ये ऊपर आके हो जाएगा 9/7। जनाब कैंसिलेशन कर दें तो हो जाएगा -24/7। तो 10 2a की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को बोली थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू में पॉइंट्स में कभी भी नहीं निकालते, जो फ्रैक्शन है वहीं छोड़ते हैं। अच्छा अब वो कह रहे हैं फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ 10 3a। 10 3a के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया 10 2a प्लस ए में, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा 10a प्लस बी वाला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 -10a 10b। तो आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू है -24/7,
इसकी वैल्यू है 4/3, जनाब इसकी वैल्यू है -24/7 और इसकी वैल्यू है 4/3। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जनाब? सुबह एक कोशिश होगी कि अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए, ठीक है? तो